संयुक्त किसान मोर्चा के तहत किसान देश भर में 10 मार्च को रेल रोको आंदोलन करेंगे। एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि सरकार कोई भी कानून लगा ले, वो रेल रोको आंदोलन करेंगे। शंभू बॉर्डर पर किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को जानकारी दी। किसानों के रेलवे ट्रैक को बाधित करने के ऐलान को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली के नजदीकी बॉर्डर वाले इलाकों में सख्त निगेबानी की जा रही है। अर्धसैनिक बलों की चौकसी बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस की ओर से सीमाओं से लगे जिला पुलिस प्रमुख को अपने अपने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। सुरक्षा में तैनात जवानों से संदिग्ध लोगों पर पैनी नजर रखने को कहा गया है। पुलिस को सघन चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं। पिछले दिनों किसानों ने यह घोषणा की थी कि वो 10 मार्च को रेलवे ट्रैक बाधित करेंगे। किसानों ने 14 मार्च को किसान महापंचायत को बुलाने का ऐलान किया है। इसे देखते हुए 10 और 14 मार्च को अधिकारियों को चौकन्ना रहने की हिदायतें दी गई हैं। रेल रोको आंदोलन होगा, जो आंदोलन 13 फरवरी से हरियाणा पंजाब के बॉर्डर के ऊपर चल रहा है, वही आंदोलन से हम लोगों ने पूरे देश वर्ष में आज रेल रोको का आह्वान किया है। और हम पूरे भारतवर्ष के सभी किसान, मजदूर, आम जनता से आह्वान करते हैं, वो अपनी मांगे मनवाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में आज के रेल रोको आंदोलन में हमारा समर्थन करें, आएं। और जो आज 12 से 4 बजे रेल यात्रा करना चाहते हैं यात्री, वो 4 घंटे के लिए रेलों की ओर ना जाए। देखिए, देशवासियों को थोड़ी सी असुविधा हो सकती है आज के रेल रोको से, ये आंशिक रेल रोको है, लेकिन जो आप इसका देखें कि ये हमारा इतनी बड़ी आबादी, देश की 65% आबादी किसानों की है, खेत मजदूर जोड़ ले तो 80%, अगर खेती सेक्टर कारपोरेट घराने ले गए तो इसका नुकसान बहुत ज्यादा होगा। रेलवे स्टेशन के नजदीक के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सीमावर्ती इलाकों में सघन चौकसी के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में कुछ इलाकों में जाम लगने की भी आशंकाएं लगाई जा रही हैं। सनद रहे कि पुलिस के चौकन्ना रहने के कारण ही अब तक किसान ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली में दाखिल नहीं हो पाए। सूत्रों की माने तो सीमावर्ती इलाकों से जुड़ी छोटी सड़कों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा सकता है। सड़कों पर पिकेट लगाकर सुरक्षाकर्मी संदिग्धों पर नजर रख रहे हैं, इससे जाम लगने की आशंकाएं हैं। सीमावर्ती इलाकों के आसपास पहले की तरह क्रेन वज्र वाहनों की तैनाती की गई है। साथ ही वाटर कैनन को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। खास तौर से सिंगू और टिकरी बॉर्डर समेत आसपास के इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इसके अलावा पीसीआर से लेकर इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल को इन इलाकों में अतिरिक्त गश्त करने को कहा गया है। किसान आंदोलन को देखते हुए दिल्ली पुलिस पहले से अलर्ट मोड पर है। सिंगू, टिकरी और गाजीपुर सीमाओं पर रेलवे और मेट्रो स्टेशन समेत बस स्टैंडों पर कड़ी निगरानी के साथ सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। वहीं पहले से देश की राजधानी में कई जगहों पर धारा 144 लागू कर दी गई है और दिल्ली में प्रदर्शन, रैली, सभा करने पर रोक लगा दी गई है।